कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 18वीं पुण्यतिथि पर पोहरी में कई आयोजन हुए। इस मौके पर पोहरी विधायक सुरेश राठखेड़ा द्वारा मरीजों को फल वितरित किए गए। विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और माधवराव सिंधिया के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद प्रसूता महिला और NRCC के बच्चों को फल वितरित किए गए। बड़े महाराज साहब की जितनी हम उपमा करें कम है, क्योंकि वो ये महाराज हैं, हम जब छोटे छोटे थे तब से हम इनके साथ थे। महाराज साहब इतना लाड़ और प्यार हम लोगों को करते थे और जितने गरीब लोग उनको मिलते थे उनको छाती से लगाते थे। ये कभी लगता नहीं था कि जब महाराज आए क्षेत्र में, जब वो आते तो महाराजा का रूप उनका खत्म हो जाता था और लोगों में हिलमिल जाते थे और लोगों को बड़े लाड़ और प्यार से अपनी छाती से लगा लेते थे। उसका उदाहरण है, चाहे आप गणेश जी को देख लो, कुछ नहीं थे गणेश जी, उनको महाराज ने आशीर्वाद दिया और विधायक बना दिया। और मुझ जैसे छोटे आदमी को, एक किसान के बेटे को, एक गांव से उठा के और भोपाल महाराज ने पहुँचाया, ये बड़े महाराज की देन है। हमेशा ये पूरे परिवार को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए उनकी यादगार में जितना आप बन पड़े हर आदमी करता है और पूरा क्षेत्र दुखी है। क्यों? अभी हमें आशा ही नहीं थी कि महाराज हमको इतने जल्दी छोड़ के चले जाए, क्योंकि वो देश का भविष्य थे। कुछ दिन और हम पे ईश्वर मेहरबान होता तो हमारे महाराज प्राइम मिनिस्टर होते। इस दौरान विधायक सुरेश राठखेड़ा के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भांड न्यूज, पोहरी।